जिंदा एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा। ये बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है जिस पर सियासत गर्मा गई है। यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी अखिलेश के इस बयान को लेकर हमलावर हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो कर दी है, जिस पर बीजेपी भड़क गई है, क्योंकि जिन्ना को हिंदुस्तान के बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है और उसी जिन्ना के जिनको अखिलेश पाकिस्तान की कब्ज से निकालकर यूपी की राजनीति में ले आए हैं और जमकर तारीफ कर दी है। आखिर अखिलेश को क्या सूझी कि यूपी चुनाव से पहले उन पर जिन्ना नाम का जिन सवार हो गया और भरी सभा में जिन्ना की तुलना देश के महान पुरुषों से कर दी। अखिलेश के इस बयान पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बैठे लोग समाज को बांटने में लगे रहते हैं, उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी तक नहीं गई है। मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातें सुनी, वो राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से कर दी। ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं जो हर वक्त तोड़ने का प्रयास करते हैं, पहले जाति और अन्यवादों के नाम पर तोड़ने की प्रवृत्ति, जब वो अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महान पुरुषों पर लांछन लगा के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां महज चंद वोटों के लिए एक दूसरे पर आरोप जड़ रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने भाषा की मर्यादा भूल गए और हरदोई में एक सभा को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की तुलना जिन्ना से कर दी। आप खुद ही अखिलेश यादव का वो बयान सुन लीजिए। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा। अखिलेश के इस बयान पे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया है और अखिलेश से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव को जिन्ना की याद क्यों आई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जाति और मजहब की राजनीति करने वाले अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, आतंकियों को छोड़ने की पैरवी करने वाले अब जिन्ना की पैरोकारी खुले मन से कर रहे हैं। जाति और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान पसंद करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टिकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का, ये किस प्रकार की मानसिकता है। बता दे कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होना है और दोबारा यहां की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे अखिलेश यादव लगातार विजय रथ पर सवाल होकर यूपी का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी के लालच के चक्कर में अखिलेश यादव इतने अंधे हो गए हैं कि हिंदुस्तान के बंटवारे के सबसे बड़े खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की कब्ज से खोद कर निकाल लाए हैं और जिन्ना पर सियासत शुरू कर दी है। क्या हिंदुस्तान का बंटवारा करवाने वाले जिन्ना अखिलेश को अवध हैताज का सरताज बनवा पाएंगे या फिर जिन्ना पे सियासत शुरू करने वाले अखिलेश को यहां की जनता माफ कर पाएगी। टीम लोकल वोकल।